दोस्तों YouTube पर कभी कभी लोग बहुत छोटी छोटी समस्या से परेशान रहते हैं और उनका YouTube पर उन्हें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों YouTube पर अक्सर लोग जो है बस बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं और कुछ माइनर प्रॉब्लम को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जो भी छोटी प्रॉब्लम है वो कभी कभी बड़ी भी हो जाती है और बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी छोटी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों टेक्नो गुरुदेव चैनल पर छोटी छोटी मगर मोटी बातों को लेकर मैं आया हूं और यहां पर आपके छोटे छोटे सवालों का भी जवाब जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। इसलिए दोस्तों मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहां पर आपके यूट्यूब चैनल और गूगल एडसेंस का ख्याल रखा जाता है। दोस्तों मैं देव सहानी स्वागत करता हूं सभी का टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। पहली बार चैनल पर आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को YouTube पर सर्च किया होगा या आपके सामने हमारी वीडियो का थंबनेल गया होगा और आपने इस वीडियो को प्ले करके देखना शुरू किया है, तो आपको इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। दोस्तों सवाल यह है कि बहुत लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि जब वो अपने YouTube चैनल का नेम चेंज कर देते हैं तो फिर भी उनके चैनल का नेम पुराना वाला ही YouTube दिखाता है, नया नेम क्यों नहीं शो होता है। दोस्तों इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और अपने चैनल का नेम भी कई बार वो चेंज करते रहते हैं और फिर भी उनके चैनल का नया नेम उनको YouTube पर अपडेट नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों YouTube पर अगर आपका YouTube चैनल काफ़ी पुराना है और आप अपने चैनल के नेम को चेंज करेंगे तो YouTube आपके चैनल को नेम को तुरंत अपडेट कर देता है और वो आपके नए नेम के थ्रू जो है आपका चैनल डिस्प्ले करने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल नया है और आपने अभी हाल ही में चैनल बनाया है और आप अपने चैनल का नेम कुछ और रखे थे, बाद में आपको लगा कि आपका चैनल का नेम सही नहीं है और आपने उस नेम को चेंज कर दिया और फिर आप YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो भी आपके चैनल का पुराना वाला ही नेम आपके सामने आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए। ये दोस्तों YouTube के सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि नया चैनल हमारे YouTube के एल्गोरिथम में फिट नहीं रहता है, मतलब कि वो अभी जो है मिक्स नहीं हुआ रहता है। इस वजह से दोस्तों YouTube उसको अपडेट करने में टाइम लगाता है। दोस्तों पुराने चैनल YouTube के एल्गोरिथम में ऑलरेडी मिक्स हो चुके होते हैं, इस वजह से उनकी जो भी चीजें होती हैं वो YouTube तुरंत अपडेट कर देता है। लेकिन अगर आपका चैनल नया है तो YouTube के एल्गोरिथम में आपके चैनल को कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा सा समय लगता है, जिसकी वजह से YouTube आपके चैनल पर की गई सेटिंग को थोड़ा लेट प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से दोस्तों जब आप नेम चेंज करते हैं तो वो आपके चैनल के ओल्ड वाले नेम को ही कुछ दिन डिस्प्ले करता है। इंटरनल तरीके से नेम तो चेंज हो गया रहता है, लेकिन जो डिस्प्ले नेम रहता है उसको अपडेट होने में समय लगता है, जिसकी वजह से आपको आपका पुराना वाला ही नेम दिखाई देता है। और ऐसे में दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि दोबारा से चैनल पर जाकर अपने चैनल का नेम चेंज कर देते हैं। आपने पहले ही एक बार चेंज किया था, आपको लगा कि चैनल का नेम अपडेट नहीं हुआ तो दोबारा से चैनल का नेम चेंज कर दिए, तो ऐसे में दोस्तों सारी चीजों को YouTube को प्रोसेस करने में लंबा समय लग जाता है और आपके लेटेस्ट नेम को डिस्प्ले करने में टाइम लग जाता है। दोस्तों नया चैनल है तो एक बार अगर जो चैनल का नेम रखना है वो डिसाइड करके रख लीजिए, वो अपडेट हो जाने के बाद अगर आप दोबारा से चैनल का नेम चेंज करेंगे तो उसको अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है और इसमें आपको केवल सब्र करना है। बार बार चैनल का नेम जाकर चेंज नहीं करना है या बार बार जाकर अदर जगह पर चेक नहीं करना है। जैसे ये अपडेट हो जाएगा हर जगह जो है आपका चैनल का नेम नया वाला शो होने लगेगा। ये खासकर नए चैनल के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो ये बहुत छोटी सी बात है जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते, लेकिन मुझे लगा कि बात करना चाहिए, लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब मैं भी नया नया था तो मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी। मैं भी अपने चैनल का नेम चेंज करता था और जब जाकर यूट्यूब पर चेक करता था तो पुराना वाला ही नेम आता था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था, मुझे लगता था कि यूट्यूब चैनल का नेम चेंज क्यों नहीं कर रहा है। तो बाद मैंने जब YouTube से इसके बारे में बात किया तो मुझे पता चला कि इन सभी प्रोसेस को जो है अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, बस आपको वेट करना है, आपको 1 वीक या 2 वीक में आपके लेटेस्ट चैनल का नेम जो है वहां पर डिस्प्ले होने लगता है। और दोस्तों जब मेरा चैनल पुराना हो गया तो मैं अपने पुराने चैनल का नेम अगर चेंज करता हूं तो वो एक ही या 24 से 48 घंटे में अपडेट हो जाता है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा चैनल होता है YouTube एक बहुत ही बड़ा एल्गोरिथम सिस्टम है, उसमें इसको फिट होने में जो है समय लगता है, ठीक है। और नए चैनल को YouTube धीरे धीरे अपने एल्गोरिथम में फिट करता है, जिसकी वजह से सारी सेटिंग को वो जस्ट तुरंत ही अपडेट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका नेम जो है पुराना वाला ही
चेंज करने के बाद भी शो होता है, तो आपको वेट करना है, आपका नया नेम शो हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे में आगे भी आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताता रहूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, टेक्नो गुरुदेव चैनल पर आप जुड़े रहिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहिएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।